होगा सोशलिस्ट या कम्युनिज्म का विस्तार होगा या सोशलिस्ट सरकारें बनेंगी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आएंगी और रिजीम का स्थापित होगी, सोशलिस्ट रिजीम स्थापित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये इससे ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे वेस्टर्न्स का काफी बड़ा योगदान है। और ये 1991 में एक घटना घटित हुई, पूरी दुनिया में यूएसआर का पतन हो गया, डिक्लाइन और यूएसआर इन 1991। और इस डिक्लाइन के माध्यम से सोवियत संघ विभिन्न सोवियत संघ के जो देश से बाहर निकल गए, और इस तरीके से सोवियत संघ कमजोर, ना केवल पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर कमजोर हुआ। काफी शीतयुद्ध में, कोल्ड वॉर में इसने अमेरिका को टक्कर दिया, सामना किया, और 1990 तक इसने कम से कम जो है एक तरीके से अमेरिका से संघर्ष किया, आइजोलॉजिकल वॉर्स का सामना किया उसने, हर तरीके से डिफेंस के लेवल पर मजबूत हुआ। और इस प्रकार लेकिन सोवियत संघ 1990 में इसका विघटन हो गया, विभिन्न खंडों में विभाजित हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र था और विभिन्न तरह के विभिन्न प्रकार विभिन्न स्टेट जो थे या रीजन्स थे सोवियत संघ से बाहर निकलने गए, जैसे बुल्गारिया है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, लाटविया है, ये सब कंट्री, पोलैंड है, बेलारूस है, ये सब रूस के हिस्सा हुआ करते थे। और ये रूस यूएसआर 1991 के रूस के यूएसआर के पतन के बाद ये सब रूस का रूस से अलग हो गए और एक नए नेशन और एक नेशन स्टेट का इन्हें दर्जा दिया गया और एक अलग देश के रूप में इनका अस्तित्व आया। यूएसआर का पतन होने से ना केवल यूएसआर इकोनॉमिकली लेवल पर कमजोर हुआ, वीक हुआ, बल्कि कम्युनिज्म का विस्तार होना, फैलाव होना, एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन होना या फैलाव होना, इस कम्युनिज्म विचारधारा का फैलाव होना, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। किससे? यूएसआर के पतन के साथ ही। यूएसआर के पतन के साथ ही कम्युनिज्म की जो विचारधारा थी उसका फैलाव और विस्तार होना भी बंद हो गया पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया को ये आशा थी कि कम्युनिज्म रूस में स्थापित हो गया, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कम्युनिज्म या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन यूएसआर में सफल हुई, गरीबी खत्म हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पर भेदभाव कम हुए, और वहां पर तरीके की समाज सांप्रदायिकताएं खत्म हुई, धर्म और राजनीति, धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति खत्म हुई। तो ये सब चीजें अच्छे, अच्छाइयां इग्लेटेड सोसाइटी की ओर समाज जाने लगा, पब्लिक स्पेयर, पब्लिक गुड्स का की जो है पब्लिक इंडस्ट्री बनने लगी, पब्लिक गुड्स की संकल्पना आने लगी, सोशल गुड्स की मन इंटरेस्ट पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, समाज हित पर आधारित शासन व्यवस्था हो गई। लेकिन फिर भी वो व्यवस्था 1991 यानी यूएसआर 1991 में यूएसआर का पतन हो गया और ये दुनिया के लिए ना केवल मजदूरों, गरीबों के सपने टूट गए, इस समय ये रूस का विघटन ही नहीं हुआ, इस समय 1990 में गरीबों, मजदूरों, सुस्तों को, ये उनको लग रहा था कि हमको न्याय मिलेगा, वो व्यवस्था का भी पतन हो चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का ठहराव हो गया। और इस समय अमेरिका का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यूएसए के पॉलिटिकल साइंटिस्ट यानी कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक, उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। ये जो है फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस समय बताया, इन्होंने एक लेख का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इन द लास्ट मैन। ये